किसके घर में घुस जाए, कहाँ से वक्त से पहले पहुँच गए हम ऋषि भाई के पास। अरे तो जैसे मैंने अकाउंट नंबर डाला ना, आप इतने अच्छे काम कर रहे होंगे, जब जाके हमें आते ही जगह मिल गई भाई। जब मांगने वाले ने भी क्या ही टोपा दिया भाई, वो था मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं करा, वो था। मैं जानता यही होते मेरे पेपर बाकी के, यही मेट्रो के सामने तो होते थे। तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आपका भाई ताहिर अंसारी। भाई देखो, फटाफट से पहली रेडी हो चुका हूँ, वक्त की किल्लत है अपने पास। तो भैया सिस्टम कुछ ऐसा ही, अभी अपन को जाना है फर्स्ट ईयर की अपनी इग्नोर की बुकिंग वापस करने, और सेकंड ईयर की लेकर आएंगे अपन बुकिंग, क्योंकि यार अगले महीने अपने एग्जाम है। वक्त की किल्लत है भाई, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। और ये देखो दिख रहा है शायद, कल भाई सो रहा था, मत्थे के ऊपर मेरे स्पीकर गिर गया, सूर्य था रात में, सूर्य तो बिल्कुल गुलम्बा सा पड़ गया था मेरे यहाँ पर। तो हाँ भाई, मैं बता रहा था कि अपने को ना अभी जहाँ मस्जिद जाना है, थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे, क्योंकि आज यार वीडियो में हाफ डे में मतलब स्टार्ट कर दी, मैंने कहा मन नहीं था, क्योंकि पहले कई सारे ब्लॉग पड़े, उनको एडिट करना बनाना तो भाई बिल्कुल मुझे आसान लगता है, लेकिन एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत ही लगती है, क्योंकि मन लगे रहो मतलब 6-7 घंटे लग जाते हैं अपन को पूरे ब्लॉग एडिट करने में। तो कोई बात नहीं, लाइटों वगैरह की मार्केट भी हमें जाना था, बल्ब वगैरह कोई लेकर आया था ऋषि भाई हमारे, तो उसे वापस करेंगे, बल्ब वगैरह उनके लैंप में लगा नहीं था, तो मार्केट भी बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया वाली, तो आप लोगों को दिखा देंगे। हम 2 दिन पहले गए थे मार्केट लाइटों वाली, लेकिन वहाँ वीडियो में रहती थी, मैंने बताया ना कि यार एडिटिंग करने में थोड़ा सा वो सिस्टम ऐसा रहता है ना ख़राब, तो इसलिए भाई मन नहीं करता वीडियो बनाने का। मैंने कहा चलो यार आज बना लेता हूँ, क्योंकि आज अपना हाफ डे से लास्ट तक बिल्कुल रात तक बिल्कुल एकदम तगड़ा वाला बिजी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं भैया, अभी हम निकलते हैं। देखो बोल बोल के थक गया यार मैं, इतना जल्दी में हूँ, कहते हाँ भैया यार मैं। लो जी भैया, हमने अपनी KTM की चाबी भी ले ली, बुकें उठाते हैं फटाफट से तिलक नगर में चलते हैं भाई, यहाँ देकर अपनी नई बुकें लेकर आएंगे। भाई अपनी KTM, अपनी KTM तो यही है भाई, KTM से किसी KTM से कम नहीं है अपनी। तो भाई मैं निकलता हूँ फटाफट से, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो भैया हम पहुँच गए चिंटू के पास, चलेगा चिंटू, रेडी है, तैयार है चलने के लिए? चलो चिंटू कुछ पूछ लो। चले छोड़ यार, पहले पूछा था मैंने, चलो भाई लेट हो रहे हैं, आगे चल के मिल के बात करते हैं आप लोगों से। टोपा मांग के लाया हूँ, बिना इसका ना डोरियाँ है इसके अंदर ना कुछ है, ऐसा ही टोपा है, जब मांगने वाले ने भी क्या ही टोपा दिया। चलो कोई नहीं, शॉर्ट दे भाई अपना। काम ये तुलिस नगर की मार्केट है, ये पूरी नगर की मार्केट है, काफ़ी भाई सस्ते में जो आपको मिलेगा सस्ते में मिल जाता है यहाँ पर। हमने यहाँ से बुकें लिए दी गई है, किंतु कहाँ से लिए, मास्टर की बुक डिपो से, यहाँ के लोगों का सस्ता सामान मिल जाता है बढ़िया से बढ़िया। और आपको कुछ भी लेना तिल नगर में आ जाना भाई साहब, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आ जाना, सब कुछ काम का मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो भाई देखो 2-3 दुकानें फेमस हैं यहाँ पर, एक तो राधे फेमस है और ये अमन बुक डिपो फेमस है, बाकी हमने मास्टर जी से ली है बुकें। यहाँ पर इग्नो की बुकें काफ़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि ये मास्टर जी हमारे ना इग्नो की बुकें रखते हैं, बाकी सभी सस्ती मिलती है, सारी सस्ती मिलती है ना रखते हैं। तो इग्नो की मतलब ये राधे रखता है और ये मास्टर जी रखते हैं, जो मर्जी है। तो भाई बुकें आपको एक से एक मिलेंगी बढ़िया से बढ़िया, सारी मिल जाती है ना जिनको यहाँ पर सस्ते रेटों पर, बिल्कुल आधे से भी कम। तो भाई आ गए मेट्रो स्टेशन पर, अभी अपने को जाना है सबसे पहले लाल किला, वहाँ पर हमारे ऋषि भाई से मिलेंगे, उसके बाद थोड़ा जो भी काम था लाइटों का और डिनर वगैरह का सारा प्रोग्राम वही होने वाला है, तो चलते हैं भाई। तो भैया आज हम पहुंच गए वक्त से पहले पहुंच गए हम ऋषि भाई के पास, कोई शब्द नहीं है कहने को। तो भाई जा रहे हैं, जरा सा बल्ब वगैरह चेंज करवाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं बहुत सारी। हमारे ऋषि भाई उत्साहित हैं। अरे पिछले ब्लॉक का वो सिस्टम था ना, वो क्या था, कुछ था यार, ही बताऊंगा। तो भाई ये देखो पूरी की पूरी लाइटों की मार्केट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी सारी होलसेल का काम, अगर इसको करना हो ना पूरी यहाँ से लाइटें उठा ले भाई, बहुत सस्ते मिलती है, मतलब दिल्ली की चांदनी चौक की सबसे फेमस मार्केट है ये लाइटों की। तो भाई अभी दिखाएंगे और एक्सप्लोर भी करवाएंगे आप लोगों को, और जहाँ से बल्ब लिया ना भाई, वो बंदा बहुत फेमस दुकान वाला है, लोगों ने
मतलब उसके बाद 10 साल पुराना भी अगर बल्ब बंद हो गया होगा ना, अगर 10 साल पुराना कहीं नहीं मिल रहा होगा उस बंदे के पास मिल जाएगा। चलो दिखाता हूँ, देखो भाई ये रही एक ए की दुकान, सारा सामान मिल जाता है भाई। आप ए के इलेक्ट्रिकल्स भाई कुछ भी लेना हो ना यहाँ पे मिल जाएगा। यार तुम तो लैम्प बता रहे थे, तो पता नहीं क्या ही चीज़ है तुमने करवा दी बेइज्जती। मैं सब्सक्राइबर को बता रहा था लैम्प का बल्ब है, और तुम ये क्या लेकर आए पता नहीं छोटा सा, तुमने करवा दी भाई मेरी बेइज्जती। वो घर का लैम्प यहाँ पे लेके आता है, इससे बड़ा भी है क्या? हाँ। तुम तो बड़े अमीर हो यार। तो भाई देखो यहाँ पर छोटा बल्ब भी मिल गया, मतलब हर तरीके के बल्ब मिल जाता है यहाँ पर। ये भैया मिलेंगे आपको यहीं बाहर बैठे हुए, जब भी आना चाहो ना एक बार आके इनसे डील कर लेना कुछ भी लेना हो। देखो भाई ये पूरी लाइटों की मार्केट है चांदनी चौक की, यहाँ सारी लाइटें मिलती हैं। कभी भी डील करनी हो यहाँ के कर लेना, अपने होलसेल की दुकान वकान खोलो कुछ भी खोलना हो सारा कुछ यहीं। देखो कितने बढ़िया बढ़िया दिल विल मिलते हैं यहाँ पर, ये सब हैप्पी बर्थडे के कोट्स वगैरह सारे कोट्स वगैरह सब कुछ यहीं मिलता है। तो भाई हमने लास्ट वाले ब्लॉग में भाई के साथ क्या बताया था, ऋषि भाई के साथ मैंने कहा था भाई इनको थोड़ी सी डोनेशन वगैरह, तो जैसे मैंने अकाउंट नंबर डाला ना आप लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने इतनी पेमेंटें वगैरह भेजी हमारे पास ऋषि भाई के पास। पैसा ही पैसा हो गया, इस भाई का मूड बदल गया और इसने कहा कि भाई बहुत पैसा आ गया चलते हैं जामा मस्जिद चिकन वगैरह खा कर आएंगे सही दवा के। ये भाई वहीं पलट गया, मतलब पैसे देख के बंदी की नियत डोल गई। तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं चलते हैं। खुश देख कैसे हो रहा है, बड़ा चालू बंदा है भाई। यहाँ का व्यू चेक करो भाई, देखो लाल किले का दिखाता हूँ अभी, लाल किला कितना बढ़िया आ रहा है सामने, आस पास भेजिए कितना बढ़िया आ रहा है, सारा चेक करो। बढ़िया व्यू आ रहा है बैकग्राउंड में, जो लाल किला कितना मस्त लग रहा है औसम वाला। बाकी अभी अपन यहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ेंगे, ये जो ही पकड़े रिक्शा विक्शा पकड़े ऑटो पकड़े उसके बाद चलेंगे जामा मस्जिद में उतर के अपने खाने वाने का इंतजाम वगैरह बढ़िया देखेंगे, और जो जो खाएंगे भाई वो देखेंगे, और ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक वीडियो देखना। लो भैया आ गए जामा मस्जिद की कंजेस्टेड वाले एरिया में, बिल्कुल भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे पूरी की पूरी। देखो एरिया जामा मस्जिद, अब तो मान लिया जामा मस्जिद पर ही हूँ भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी चल के अंदर असलम के चिकन पर चल रहे हैं, वहाँ चिकन वगैरह खाएंगे। अरे भाई खींच लिया, तो भाई वहाँ चल के खाएंगे, अपना ब्लॉग कंटिन्यू रहना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई क्राउड देखो कितना तगड़ा है, और ये रहा अपना फेमस शाही टुकड़ा, और क्राउड देखो भैया कितना ज़्यादा क्राउड है यार, निकलना ही मुश्किल है यहाँ से। तो ये रहा देखो भाई फेमस करीम होटल, ये करीम होटल है बड़ा फेमस है, आप आगे लेके चलते हैं आपको दिखाएंगे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें। चलो ये रहा एक और शाही टुकड़े की ब्रांच आ गई, शाही टुकड़े भरे पड़े यहाँ पे, शाही टुकड़ा मोहब्बत का शरबत और भी दुनिया भर की चीज़ें। ये रहा भैया शरबत मोहब्बत, मोहब्बत का शरबत, ये रहा फेमस शरबत मोहब्बत, ये देख लिया आपने, अब आगे देखते हैं। देखो भाई एक और मोहब्बत शरबत, सारे मोहब्बत के शरबत यहीं मिलते हैं, मोहब्बत होती है नहीं होती पता नहीं, वापसी में ट्राई करेंगे एक बार, देखेंगे कितनी मोहब्बत हमारे अंदर आती है इस शरबत पीने के बाद। तो ये आ गया भाई अपना असलम, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिनर वगैरह आज का प्रोग्राम यहीं है। कितने नसीब वाले हैं भाई साहब, कितने अच्छे काम कर रहे होंगे हमने, जब जाके हमें आते ही जगह मिल गई। सर शायद ये बंदा लकी है तोड़ दो, इसकी वजह से हमें जगह मिल गई आते ही। जैसे है ना इस बंदे ने ये रख दिया, कह रहा ऑर्डर दो अपना, मतलब खाने से पहले आप ये खाते रहो उसके बाद ऑर्डर दे दो आराम से, तसल्ली से खाने के बाद। तो भैया असलम का चिकन खाने के बाद हम आए टोमी की बिरयानी खाने के लिए, जो कि जामा मस्जिद में काफ़ी मशहूर है, मतलब दुनिया भर के मैंने ब्लॉग देखे थे यहाँ के, तो मैंने एक बार ट्राई करना बनता है। तो ये भाई हमें लेकर आए हैं टोमी भाई की बिरयानी खाने के लिए। तो ये भाई हम बिरयानी ट्राई करने जा रहे हैं, कैसी लगी खाई, कैसी लगी, कैसी है? ठीक है भाई, बिरयानी खाने के लिए आए थे तोफिक की बिरयानी, गलियों गलियों में और रास्ता खो गए भाई, कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन सी जगह है ये, किसके घर में घुस जाए, कहाँ से है तू तो गया बेटे, कहाँ से है हर रास्ता भाई, पता नहीं कैसी कैसी गलियाँ थी बना रखी इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। भैया कहाँ फंसा दिया,
भैया मार दिया भाई, वो था मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं करा, वो था गजब तू बीवाज आदमी हो। मैं तो पहले ही नहीं चलने के लिए कह रहा था तुम्हें, तुम चले ही नहीं यार। मेन रोड के रास्ता मिल चुका है, इस बंदे ने तो हमें फंसा दिया था, आज कहाँ का ले जा रहा था। तो भाई घूम फिर कर हम आए मोहब्बत का शरबत पीने के लिए। मोहब्बत की शरबत की दुकान काफ़ी फेमस है भाई, अभी इसे पियेंगे और ट्राई करेंगे इसका जायका। एक अपने लिए पैक करवाओ, एक मेरे लिए, ये वाला 50 वाला दो पैक करवाओ, अलग 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 भैया। तो भाई आज का फाइनली कार्यक्रम अपना समाप्त हो गया, चल रहे हैं घर की और मेट्रो वगैरह पकड़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये बाहर से जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने से ये टोपी ली, अभी नहीं घर पे जाके दिखाऊंगा कैसी लग रही है, और लगा वगा कर सब दिखाऊंगा कैसी लग रही है, तो बताना कमेंट करके। तो भाई अभी जा रहे हैं मेट्रो से घर, काफ़ी लेट होगा, कितने 9:30 बज रहे हैं ना, 9:30 बज रहे हैं भाई, काफ़ी लेट हो गए बंदा भाई ऐसे। अरे ये रहा, मैं जानता यही होते मेरे पेपर बाद ही के, यही मेट्रो के सामने तो होते थे। हाँ मेट्रो के सामने स्कूल था, यही होता मेरे बाद ही। अरे ये सामने तो स्कूल है मेट्रो के। हाँ ये रहा, ये सामने मतलब अभी खुला है। मेट्रो आई कहाँ से यहाँ पे तुम भी यार? अरे यही तो है मेट्रो के सामने। अरे तुम चलो, तुम ये बाहर ही तो करवा पाते पेपर, रोड पे उठा के करवा दे, रोड पे तो करवा रहे थे पेपर अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना। हाँ अभी तो यार यही तो करवा रहे थे, चलो कोई बात नहीं छोड़ो यार। तो भाई आके अपने मेट्रो स्टेशन पीछे ऋषि भाई को विदा करने का वक्त आ गया, चलो भाई मिलते हैं फिर, कोल्ड ड्रिंक पकड़ा के जाओ। ओके भाई, कोल्ड ड्रिंक पकड़ाओ फिर, बड़ा हरामी हो बेटा। चलो भाई बाय, टेक केयर, ठीक है। तो भाई अपन चलते हैं, ऋषि भाई को छोड़ दिया है, कर दूंगा मैसेज कर दूंगा। तो चलो भाई चल के पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से घर पर, क्योंकि भाई काफ़ी थक चुका हूँ, तो घर पहुंच के आपसे बात करूंगा। तो आ गए भैया अपना जामा मस्जिद से, सारा पेंडिंग वाला काम सारा निपटा के, मेन काम जो था ना अपना असली वाला वो था यार बुको काम, वो निपट गया बुको वाला। मतलब अगले महीने तो पेपर है 8 तारीख से, मतलब आएगा यार अगला महीना, और अगले महीने ऐसा भी नहीं अगले महीने पेपर में मतलब कुछ टाइम दे देते भाई, लगातार पेपर है, 3 पेपर तो लगातार है, 1 पेपर अगले महीने के एंड में, मतलब फटाफट से पढ़ना पड़ेगा यार। ब्लॉग में थोड़ी सी कटौती वगैरह आने वाली है, कोई नहीं बर्दाश्त कर लेना, माना आप लोग मुझे पसंद करते हो ना, करते हो गए पता नहीं भाई, करते हो तो कमेंट में बता देना। तो भाई जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के वैसे डिनर काफ़ी बढ़िया रहा भाई। जामा मस्जिद से मैंने आपको जो बताया था ना, वहाँ से मैंने टोपी ली थी, वो ये वाली टोपी थी वाइट कलर की, देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके बता देना अगर अच्छी लग रही हो तो। वहाँ एड में तो और भी शानदार लग रही थी, बिल्कुल मस्त गजब वाली, जैसी भी लग रही हो ना एक बार कमेंट करके बता देना जरूर। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कवर भी नहीं मिलेगी।